वाइड ये प्रोटेस्ट है संसद ग्रह और जम्मू कश्मीर में, ये है कि राजभवन की तरफ चलो, चलो राजभवन। अब उसके लिए कूच यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से राहुल जी ने भी संसद में सवाल पूछे कि अडानी और मोदी साहब का रिश्ता क्या है, अगर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी गठन करने में प्रेस की ऊँचे सरकार यहाँ पे कर रही है, क्योंकि जिस ढंग से हमारा सफ़ेद धन, जो काला धन वापस लाने का वादा मोदी साहब ने किया था, काला धन तो आते दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारा सफ़ेद धन हिंदुस्तान का चला गया और मोदी साहब यहाँ पे चुप हैं। चौकसी के बारे में चुप हैं, मालवीय के बारे में चुप हैं, नीरव मोदी के बारे में चुप हैं, ये चुप्पी कब तोड़ेंगे? इसलिए हम सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हमारी रियासत का दर्जा वापस पूरी तौर पर दिया जाए। असेंबली के चुनाव आएँ, आए दिन जो सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लाठियों के जरिए उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, जायज़ डिमांड है, हम सब लोग उनका समर्थन करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करने के लिए कि आर्थिक स्थिति जम्मू कश्मीर में लोगों की इतनी नहीं है, रोज़गार कहीं पे है नहीं, क्या जो लेबर सारे सड़कों पे है प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह पे मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिल रही, ये सब चीज़ें उसमें हैं कि हमारे लोकल लोगों की मुश्किलों का समाधान हो पाए, फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल हो और असम्बली के चुनाव हो, वो पॉलिसी जो वेलफेयर के लिए हैं वो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे उसका फैसला करें। वो फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों में थोपा जा रहा है, जिसके माध्यम से उनका जम्मू कश्मीर के साथ कोई व्यवस्था दूर तक दिखाई नहीं देता। सब चीज़ों का विरोध करने के लिए यही मांग होगी कि हमें रियासत का दर्जा पूरी तौर पे वापस दे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, अडानी और मोदी साहब का रिश्ता सामने आ जाए, और इसी ढंग से SSB का और FTEC का रिश्ता क्या है वो भी लोग जानना चाहते हैं कि क्यों उसी चीज़ को, उसी एजेंसी को वापस बार बार करके दिया जा रहा है जिसके लिए छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मोदी सर